और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज रायगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन करेंगे। 465 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। 11:30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तकरीबन 12 बजे रायगढ़ जिले के जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे सीएम। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बेहद खास ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के, जो कि हम आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री का ये दौरा है। भूमि पूजन का भी उनका कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ रायगढ़ का जो दौरा है, रायगढ़ में कई ऐसे कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। रायगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन किया जाएगा। 465 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण। 11:30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और तकरीबन 12 बजे रायगढ़ जिले के जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रायगढ़ का दौरा है। 465 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। करीब 11:30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तकरीबन 12 बजे रायगढ़ जिले के जिंदल एयर स्ट्रिप पहुंचेंगे सीएम। छत्तीसगढ़ मैतारी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे मुख्यमंत्री। बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज रायगढ़ का दौरा है मुख्यमंत्री का। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव शुभारंभ का कार्यक्रम होना है, इसमें शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ मैतारी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे, विकास कार्यों का लोकार्पण, यानी रायगढ़ वासियों को सौगात मिलने वाली है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। जो तमाम कार्यक्रम उसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे, जोरदार स्वागत की तैयारी उनके की जा रही है। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। 465 करोड़ की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाना है। 11:30 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अनिल नेताम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, रायगढ़ में आज क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है रायगढ़ जिले के प्रवास पर रहेंगे, जहाँ पर वे विभिन्न जो कार्य हैं उनपे शामिल होंगे। उसके साथ जो है आज अंतर्राष्ट्रीय जो है रामायण महोत्सव कराया जा रहा है, वो मुख्य कारण है। आज एक जून से लेकर 3 जून तक ये कार्यक्रम होने वाला है। मुख्यमंत्री जी के आज रायगढ़ दौरे की बात करें तो वे जो है कलेक्टर परिसर भी पहुंचेंगे, जहां पर जो है छत्तीसगढ़ मैतारी का अनावरण करेंगे। इसी साथ जो है रायगढ़ जिले को 465 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। ये लगभग 11:30 का समय है जहां पर रायगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री, और दोपहर 12 बजे का समय है जहां पर जिले के जिंदल इंडस्ट्रियल जो है पराली एयरपोर्ट है वहां पहुंचेंगे। इसके बाद जो है वे जिला परिसर जाएंगे, जहां पर जो है मातारी का मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके पश्चात जो 3 बजे रामलीला मैदान पहुंचे रामायण महोत्सव का शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आज जो है रायगढ़ जिले का दौरा है, जहां पर लगभग 465 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। जिस साथ जो है राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो है 1 जून से लेकर 3 जून तक जो चलने दिवसीय शुभारंभ करने वाले हैं। जी अनिल, कहा जा सकता है कि आज रायगढ़ वासियों को मुख्यमंत्री की तरफ से सौगात मिलेगी? जी देखिए, रायगढ़ वासियों को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बड़ी सौगात मिल रही है। 465 करोड़ रुपए की लागत से जो है विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण है भूमि पूजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने वाले हैं। निश्चित तौर पे जो है रायगढ़ के विकास को लेकर ये एक बड़ा बजट है, जहाँ पर जो है 465 करोड़ की लागत से जो है विकास कार्यों का जहाँ पर जो है लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। इसके साथ जो है पूरे देश में आज जो है रामायण धुन जो है इस तरह से प्रसारित होगा
एक जून से लेकर 3 जून तक जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव जो कराई जा रही है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होने वाली है और इसके लिए पूरा पूरे देश से लोग यहाँ जुट रहे हैं। इसके साथ साथ विदेश से भी लोग रामायण महोत्सव में शामिल होने के लिए रायगढ़ पहुँच रहे हैं। जी शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव है, उसका शुभारंभ होना है, बेहद खास ये कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री आज कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं।